अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको गार्लिक श्रिम्प करी बनाना सिखा रही हूँ। ये गार्लिक श्रिम्प मैंने कनाडा में एक रेस्टोरेंट में खाए थे। वो चाइनीज इंडिया के रहने वाले थे और अब वो कनाडा में उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी। बहुत टेस्टी, बहुत मजे के और बहुत तीखा बनाते थे वो। तो जब भी मुझे उस रेस्टोरेंट की याद आती है तो मैं जरूर ये गार्लिक श्रिम्प बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। मैं उतना तीखा तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन क्योंकि अब हमारे घर में बहुत ज्यादा तीखा नहीं खाया जाता, लेकिन आप इसमें खूब मिर्चा डाल के इसको खूब तीखा बनाइए तो आपको बहुत मजा आएगा। इन श्रिम्प्स का वजन तकरीबन 550 ग्राम के करीब है। तो सबसे पहले हम इनको मैरिनेट करेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए मैंने ये 1/4 teaspoon नमक लिया है, 1/4 teaspoon ही हल्दी ली है, 1 teaspoon ये पेपरिका पाउडर लिया है और 1/2 teaspoon मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon ही मैंने जीरा पाउडर लिया है और 2 teaspoon ये मैंने गार्लिक की पेस्ट ली है। तो इसको ये सब चीजें लगा के अभी हम मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले तो ये लहसुन डाल दिया मैंने इसमें, उसके बाद ये जीरा डाल देंगे, ये धनिया पाउडर भी चला जाएगा, नमक भी, हल्दी भी और ये पेपरिका पाउडर भी। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लें, चाहे तो 2-3 घंटे मैरिनेट करें। मैं प्रेफर करती हूँ हर चीज को ओवरनाइट मैरिनेट करना। आप कम से कम इसे 1 से 2 घंटे तो जरूर मैरिनेट कीजिए। ये लीजिए, मैं इसे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें मजीद किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है ये करी बनाने के लिए। सालन बनाने के लिए हमें जिन मजीद इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है उसमें ये मैंने तकरीबन 4 अदद मीडियम प्याजों की पेस्ट तैयार कर ली है और ये 1 गट्ठी लहसुन की और इसमें 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 हरी मिर्चें और 2 टमाटर डाल के ये भी मैंने पेस्ट तैयार कर ली है। और इसके अलावा हमें नमक चाहिए होगा फिल बकेट में, 1 टीस्पून नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 टीस्पून मिर्चें ली है मैंने, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून ये मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून ही ये पिसा हुआ जीरा है, 1/4 टीस्पून मैंने ये गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून पेपरिका लिया है। तो आइए चलते हैं इसको बनाते हैं। 1 कप तेल की जरूरत होगी जो मैंने पैन में डाल दिया है। अब ये पेस्ट उसमें डाल के तो इसे पकाना शुरू करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, मैंने चूल्हे पे पैन में तेल डाल दिया है। अब इसमें हम प्याजों की पेस्ट डाल देंगे। ये लीजिए, इसमें प्याजों की पेस्ट डाल दी है मैंने। प्याजों की पेस्ट को इतनी देर पकाएंगे कि ये भुन जाए और इसका जो पानी है वो खुशक हो जाए। तो फिर इसमें हम लहसुन और अदरक और टमाटर और मिर्चों की पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए नाजिम, प्याजों का पानी तकरीबन चिप गया है। बस इसको 1-2 मिनट इसकी हम और भुनाई करेंगे और फिर मैं इसमें लहसुन और अदरक और मिर्चों और टमाटर की पेस्ट डाल दूंगी। ये देखिए इसका पानी तकरीबन सूख चुका है सारा। अब इसमें मैं लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल दूंगी। अब इसको हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें हम तमाम मसाला जार डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें तमाम मसाला जार डाल दूंगी। ये सब मसाले मैंने इकट्ठे डाल दिए इसमें और साथ में ये पेपरिका भी डाल देंगे। अब इसमें मैं 2 कप पानी डाल दूंगी। मैंने इसमें अब ये पानी डाल दिया है। 2 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख दूंगी ताकि इसका ये कच्चापन मसालों का और लहसुन अदरक का खत्म हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसमें श्रिम्प डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाएगा तो फिर इसमें हम श्रिम्प डाल देंगे। ये देखिए नाज़रीन, 5 मिनट के बाद इस मसाले में पानी काफी सूख गया है। अब इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और फिर मैं इसके अंदर श्रिम्प डाल दूंगी। अब हम ये श्रिम्प डाल देंगे इसमें। ये मैं इसमें 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। अब हम इसको पकने देंगे थोड़ी देर। पानी डाल के इसमें ये थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी है मैंने इसमें। इसे मिक्स करके हम इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये फुल आंच पर ही पक रहा है। 2-3 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिला लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, 5 मिनट हो गए हैं और हमारा श्रिम्प करी तैयार हो गया है। बस अब इसे मैं चूल्हा बंद करके 10 मिनट दम पे पड़ा रहने।
ये देखिए मैंने गार्लिक श्रिम्प करी को डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार खाना बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी और बहुत मजे का। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे जरूर ट्राई करेंगी, इसे जरूर ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा। आप इसे चाहे तो चावलों के साथ सर्व करें, चाहे तो रोटी के साथ, लेकिन इसका असल मजा उबले हुए चावलों के साथ ही आता है। तो अगली दफा तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो आप सबसे दरखास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते, तो आप इसे जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ना सिर्फ ये कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बल्कि इसको अपने तमाम मिलने मिलाने वालों, अपने अजीजों, रिश्तेदारों और सभी दोस्त अहबाब से शेयर भी कीजिएगा। तो अगली दफा तक के लिए खुदा हाफिज़। नासिर।